इस वक्त हम मिट्टी शहर में मौजूद हैं। आज 14 नवंबर है और यहाँ पे दिवाली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूरा ही शहर बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, सारे मंदिर बहुत खूबसूरती से सजाए गए हैं, बहुत से लोग इस वक्त विज़िट कर रहे हैं। इज्तमाही पूजा मेरा ख्याल हो गई है और अब खुद से लोग आके जो तरीकाकार है उसके मुताबिक पूजा कर रहे हैं, नए नए कपड़े पहने हैं बाजार में, बड़ा एक फेस्टिवल का माहौल है। तो हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, ये इसके मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। मतलब आपका नाम क्या है? लाल कुमार साहब, आप ज़रा हमें इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कीजिए। ये हमारा मुर्शिद है, पीर पिथौरा साहब का मंदिर है, बहुत बहुत पुराना है, मेरे दादू परदादू उसी वक्त का है। ये पुराना मंदिर है बहुत। अच्छा। हम इधर आते हैं, इबादत करते हैं और रोज़ाना भी आते हैं, हर चांद को इधर रियाड़ा भी हम बड़े धामधूम से मनाते हैं। अच्छा, तो इस मंदिर की क्या ख़ास बात है, ज़रा वो भी बताइएगा। इस मंदिर की मैं क्या बताऊं, हमारे को तो ये चीज़ मिलती है ना, इस दर पे आते हैं ना, सारे चीज़ भूल जाते हैं। अच्छा, बाल बच्चे ये वो सारे गम बुला के इधर ही आते हैं बस। अच्छा, हमने इधर मिट्टी में भी घूम के देखा है और वैसे भी फिल्म वगैरह में भी देखा है कि जैसे श्री कृष्ण भगवान हैं और गणेश हैं और इस तरह दूसरे भगवान हैं, इनका नाम नहीं हमने सुना कभी। आपने, मेरे को नहीं मालूम पड़ता है आपने क्यों नहीं सुना है। अच्छा, हाँ, इसका बहुत बड़ा मेला लगता है। अभी 20, 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर को मेला है, बहुत बड़ा। नहीं, इधर मिट्टी में नहीं है, वो पीर पिथौरा साहब अक्रेडिटेशन पे है, उमरकोट से आगे है। अच्छा, हाँ उधर है बहुत। सही। उसका गांव का भी नाम पीर पिथौरा रखा हुआ है। अच्छा, हाँ चलें, मेरा ख्याल अब तो शायद मौका ना मिले, नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे कि ज़रूर चक्कर लगाएं। तो आपकी यहाँ पे दिवाली की कैसी सेलिब्रेशन है और आपने क्या क्या तैयारी की? हमने बहुत, अभी तो हम खुद अपने घर पे गए थे, उधर दिए भी जलाए, पूजा पाठ किया, आरती की, अभी हम आए हैं मंदिरों में चक्कर लगा के, फिर फटाके फोड़ेंगे, मिठाई खाएंगे, मिठाई खिलाएंगे सारों को, खुशियाँ मिलाएंगे, सारा दिन खुशी में होते हैं। तो आप वैसे क्या आम दिनों में क्या काम करते हैं? किधर जॉब? हमारा दुकान है, परचून का दुकान है और जींस का कारोबार है हमारा। चलें जी, आपको दिवाली की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो और आप बड़े अच्छे तरीके से मैंने देखा है मंदिर को चला भी रहे हैं और आपके जज्बात भी इसके साथ बड़े अटैच हैं, आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे को मुबारक, खैर मुबारक, और मैं सारे हिंद सिंध जो भी जहाँ रहते हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारे भाई हैं, हमारे अजीज हैं, हम दिल की गहराइयों से उसको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया।